हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ये वाला हुडी देखने वाले हैं जो कि एलन सॉली ब्रांड की तरफ से आता है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे साइज मिल जाएंगे, एस एम एल एक्सेल डबल एक्सेल, और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं दोस्तों। बट हमने पर्सनली ये कलर मंगाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मैं आपको हर एक डिटेल बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपको लेना है या नहीं। चलिए फिर वीडियो की फटाफट से अनबॉक्सिंग से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन में मेरे पास आ गया और कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है दोस्तों। एकदम नॉर्मल सी पैकेजिंग है, बट हाँ ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है क्योंकि ये क्लाउडटेल सेल कर रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। ये आ गया थैली के बाहर। अब आप देख सकते हो ये जो टैग है एलन सॉली का है, मैं आपको बाहर निकाल के अच्छे से बता देता हूँ। और ये प्रोडक्ट की बहुत ही बढ़िया रेटिंग थी। सर्दियाँ आ गई है, एक हुडी तो मुझे लेना ही था। वैसे और भी मैंने लेने की प्लानिंग की है, बट पहले ये देख लेते हैं। इस कलर को आई के स्काई ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और सबकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया ही है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने डिसीजन लिया इसको लेने का। ये देखो, अंदर एक पेपर डाला हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। और हाँ, सबसे मेन बात, 60% कॉटन है, 40% पॉलिएस्टर का बना हुआ है। और ये देखो एलन सॉली का लोगो है। और आप इसकी स्टिचिंग फिनिशिंग पे नज़र मार लीजिए, कितनी बढ़िया दी गई है। मटेरियल ज़्यादा मोटा नहीं है, ये ज़ीरो टेम्परेचर के लिए नहीं काम आएगा, बट हाँ हल्की फुल्की ठंड के लिए मुझे लगता है परफेक्ट होगा। देखो अंदर से भी डबल स्टिचिंग है और डबल कपड़ा है अंदर, जहाँ पे कैप आती है वहाँ पे। चेन खोल देता हूँ, चेन की जिप में आगे आपको टेस्ट करके बताऊँगा। एकदम मीडियम सा कपड़ा है, देखो एम साइज़ मंगाया है एलन सॉली का। ये क्या है, धागा निकल रखा है, लेकिन हाँ स्टिचिंग फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एलन सॉली का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, स्टिचिंग फिनिशिंग में कभी कंप्लेन नहीं आती, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ये देखो स्टिचिंग फिनिशिंग कितनी बढ़िया है, कितने बढ़िया तरीके से इसे सिला गया है। एक्चुअली हमें ना इसके स्टिचिंग फिनिशिंग का ही पे करते हैं। देखो लिखा हुआ है 60% कॉटन 40% पॉलिएस्टर, केयर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अभी तक मैं 2 बार धो चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। पहली बार मैंने वॉश भी किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो क्वालिटी चेक का लेबल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, टैग। दोस्तों मैं आप लोगों को हर एंगल से इसे बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए स्टिचिंग फिनिशिंग कितनी बढ़िया है। अगर स्टिचिंग फिनिशिंग बढ़िया नहीं होती तो फट जाते हैं और पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते। इसके फैब्रिक के मुकाबले इसकी स्टिचिंग फिनिशिंग ज़्यादा बढ़िया है। फैब्रिक भी ओके क्वालिटी का है, मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम टॉप का है, बट हाँ अच्छा खासा चल जाएगा। इसके रिव्यूज़ में मैंने देखा काफ़ी लोगों के हुडी के ऊपर, मतलब उसके ऊपर बबल्स वगैरह आ गए थे। वो इसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि ये माइल्ड वॉश के लिए है और इसको थोड़ा केयर के साथ संभालना है तो नहीं आएंगे। अभी तक मैं इसे 2 बार धो चुका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है दोस्तों। और इसके जो रिस्ट पे इलास्टिक दिया है वो भी अच्छी क्वालिटी का मोटा वाला दिया है, जैसे नॉर्मली स्वेट शर्ट्स में आता है वैसा ही दिया है। इसकी क्वालिटी को देखते हुए लगता है कि ये 2-3 साल आराम से निकाल देगा। विंटर का सीज़न, मुंबई में रहता हूँ तो इतनी विंटर पड़ती नहीं है, उसके हिसाब से परफेक्ट है दोस्तों। फिनिशिंग वगैरह के हिसाब से एकदम बढ़िया लगा मुझे ये। और देखो वॉल टैग भी लगाया है ताकि हाथ अंदर डालने के बाद फटे नहीं जेब। इसमें रेड मरून कलर भी आता है, वो भी बहुत मस्त लगता है, बट मेरे साइज़ में आई गेस था नहीं वो, तो मैंने ये वाला कलर लिया है। ये लेता या तो फिर मरून लेता तो ये ऑप्शन अवेलेबल था, ये तो मैंने ये ले लिया। और इसके ज़िप की क्वालिटी भी मैं आगे आपको टेस्ट करके बताऊँगा। ये देखो मैं अभी इसको पानी में डाल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है मैंने। अब इसको है ना मैं पानी में भिगोऊंगा और ऐसे ही 1-2 मिनट तक इसको हाथ से हिलाता रहूंगा, फिर 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और 2 बार पानी से निकाल के सुखा दूंगा और उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगा। ये हुडी मुझे जैसे ही रिसीव हुआ था मैंने इसे वॉश करना चालू कर दिया और फिर सूखने के बाद में मैंने इसे यूज़ करना चालू कर दिया। ये देखो मैं कुछ इस आउटफिट के ऊपर ट्राई करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। मैंने पर्पसली ब्लू पैंट को ही चुना है ताकि एकदम अच्छा लगे, कॉम्बिनेशन अच्छा आएगा मुझे लगा, तो इसके लिए मैंने ब्लू पैंट लिया है। और ये जो आप शूज़ देख रहे हो ये भी मैंने अभी अनबॉक्स किया, इसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करके बता देता हूँ, इसको पहनना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। इसकी फिटिंग फिनिशिंग देखिए, ये एम साइज़ है, शर्ट में एस पहनता हूँ या फिर एम पहनता हूँ, ये वाला जो है एम साइज़ है। देखो कुछ ऐसी टाइप की फिटिंग फिनिशिंग आई है दोस्तों मुझे।
आप लोग अपने हिसाब से जज करके अपना साइज ले सकते हो दोस्तों। वैसे मुझे लगता है इसका फुल साइज ही है, मुझे एस भी थोड़ा टाइट आ जाता बट मुझे थोड़ा लूज चाहिए था। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे ये फिटिंग फिनिशिंग में दोस्तों। हुडी काफ़ी लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को जिप लगा के बता देता हूँ, जिप की टेस्टिंग भी हो जाएगी साथ में। आप खुद देख लो इसकी जिप कैसे काम करती है, एकदम स्मूथ जिपर है। तो ये हो गई हमारी जिप की टेस्टिंग। अब आप देख लो जिप बंद होने के बाद ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें बॉडी शेप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब देखो टोपी के साथ कैसा लग रहा है, कैप के साथ भी कितना मस्त लग रहा है ना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ये हुडी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, और आप कौन सा कलर लेने वाले हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना दोस्तों। और इस हुडी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखो पॉकेट में हाथ डालने के बाद कैसा लग रहा है, आप ऐसे कंगारू जैसे रह सकते हो। दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ आपको हर चीज़ डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि आप भी इस पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ सारी की सारी बातें क्लियर रहे। दोस्तों इस हुडी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट करके ले सकते हो अपनी पसंद से अपना कलर अपना साइज़। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दे दीजिए। और दोस्तों आप लोगों की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ तो वो भी मुझे नीचे रिकमेंड करूँगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उसका भी रिव्यू लेकर आ जाऊँ। मैं दूसरा कौन सा हुडी लूँ, कौन से ब्रांड का, कौन सा कलर, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर लो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे मुझे लगता है। दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फटाक से एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।